हरे कृष्णा। मेरा नाम है ऐश्वर्या और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बेसिक्स बाय एजे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल कार्तिक मास चल रहा है, कार्तिक मास जिसे हम दामोदर मास भी कहते हैं। तो साल में 12 महीने होते हैं, उनमें से 4 महीने चतुर्मास जिन्हें कहते हैं भगवान को बहुत प्रिय हैं, और उन 4 महीनों में भी एक महीना ऐसा है जो भगवान को बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और उसे कहते हैं कार्तिक मास। ये महीना भगवान को इसलिए इतना प्रिय है क्योंकि इस महीने की अधिष्ठात्री देवी हैं श्रीमती राधा रानी। इसे सेल का महीना भी कहते हैं क्योंकि हम जो भी भगवान की सेवा करते हैं उसका हमें 1000 गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने 1 घी का दिया दान किया तो आपको 1000 दिए दान करने का फल मिलेगा कार्तिक मास में। तो जी हाँ, सेल लगी है, सब पहुँच जाइए भगवान के मंदिर। मंदिर नहीं भी जा सकते कोरोना की वजह से तो अपने घर में ही डेली 1 दिए का दान ज़रूर करिए। पद्म पुराण के उत्तरखंड में लिखा है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी पौधों में मुझे तुलसी सबसे प्रिय है, सभी महीनों में मुझे कार्तिक मास सबसे प्रिय है, सभी तीर्थों में मुझे द्वारका सबसे प्रिय है, सभी दिनों में मुझे एकादशी सबसे प्रिय है। स्कंद पुराण में लिखा है, जिस तरह सतयुग सभी युगों में सबसे उत्तम है, जिस तरह शास्त्रों में वेद सबसे उत्तम है, जिस तरह से सभी नदियों में गंगा सबसे उत्तम है, उसी तरह कार्तिक का महीना सभी महीनों में सबसे उत्तम है। हमारे शास्त्रों में कार्तिक के महीने के बारे में बहुत कुछ लिखा है। चलिए मैं आपको उनमें से कुछ 11 रीजंस बताती हूँ कि कार्तिक का महीना सबसे अच्छा महीना क्यों है। तो हमारे शास्त्रों में कुछ इस तरह से लिखा है, अगर कोई घी का दिया कार्तिक के महीने में भगवान को चढ़ाता है तो उसके हजारों लाखों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भले ही किसी ने कभी भी कोई मंत्र का जाप ना किया हो, कोई भी अच्छा काम जैसे कि दान दक्षिणा ना दी हो, फिर भी उसके लिए सब कुछ परफेक्ट हो जाता है जब वो दीप दान करता है। जिस मनुष्य ने कार्तिक के महीने में दीप दान किया हो उसने सभी यज्ञों का फल प्राप्त कर लिया है। हमारे पितृ कहते हैं, जब हमारे परिवार का कोई सदस्य भगवान केशव को दीप दान करके प्रसन्न करता है तो भगवान की कृपा से हमें मुक्ति मिल जाती है। जो कोई भी कार्तिक मास में मंदिर या घर पर घी का दिया दान करता है, भगवान वासुदेव उसे बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को घी का दिया अर्पण करता है वो बहुत भाग्यशाली हो जाता है। घी का दिया दान करने से व्यक्ति अपने सभी पापों को जला देता है, जो चाहे मेरु पर्वत जितने बड़े ही क्यों ना हो। तीनों लोकों में ऐसा कोई भी पाप नहीं है जो कार्तिक महीने में घी का दिया दान करने से भस्म नहीं हो सकता। जो व्यक्ति कार्तिक के महीने में घी का दिया दान करता है उसे भगवान के धाम में वास मिलता है जहाँ कोई भी दुख नहीं है। जो व्यक्ति भगवान को घी का दिया दान करता है वो भगवान के धाम में उनकी लीला को देख पाता है। सभी भेंटों में यानी कि गिफ्ट्स में कार्तिक मास में दिया गया दिया सबसे उत्तम है, उसके बराबर और कोई भी भेंट नहीं है। तो ये रहे वो 11 रीजंस जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि कार्तिक का महीना इतना अच्छा क्यों है और इसमें दीपदान करना इतना शुभ क्यों माना जाता है। दीपदान करने की विधि बहुत ही सिंपल है। नए दीपक यानी कि मिट्टी के दिए में हमें घी की बत्ती बनानी है, यानी कि कॉटन विक्स लीजिए और उसको घी में डुबो के भगवान के आगे दिखा दीजिए। लेकिन जिन लोगों के यहाँ मिट्टी के दिए नहीं अवेलेबल है, उनके शहरों में नहीं मिलते हैं, बहुत सारे हमारे भाई बहन अब्रॉड रहते हैं जहाँ पे मिट्टी के दिए उनको नहीं मिलते हैं, तो वो अपने घर में सिंपल जो दीपक यूज़ करते हैं जैसे कि कांस का या स्टील का या फिर मिट्टी का जो भी रेगुलर दिया वो यूज़ करते हैं उसी को प्रयोग में ला सकते हैं। और अगर किसी के यहाँ घी नहीं है तो वो तिल का तेल भी यूज़ कर सकता है, यानी कि तिल के तेल में कॉटन विक्स को डुबो के आप उसे भी भगवान के आगे दिखा सकते हैं। ये तो रहे दीपक की बात, अब मैं आपको बताती हूँ कि उसे भगवान के आगे दिखाना कैसे है। तो ये देखिए, ये है दामोदर लीला का एक चित्र। भगवान के सबसे पहले चरणों में हमें 4 बार इस प्रकार से दिए को घुमाना है, उसके बाद उनके उदर पे यानी कि उनके पेट की तरफ 2 बार इस तरह से घुमाना है, और उसके बाद 3 बार उनके
मस्तक की तरफ यानी कि उनके चेहरे की तरफ, हेड की तरफ 3 बार इस तरह से घुमाना है, और उसके बाद हमें 7 बार भगवान की फुल बॉडी पे इस तरह से दिखाना है। ये दामोदर लीला का चित्र है जब माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को एक रस्सी से बांध दिया था, तो इसीलिए इस मंत्र को दामोदर मंत्र भी कहते हैं। दीपदान करते वक्त हमें दामोदर अष्टकम का पाठ करना चाहिए। अगर आपको दामोदर अष्टकम याद नहीं है तो आप दीपदान करने के बाद भी दामोदर अष्टकम का पाठ कर सकते हैं, लेकिन दामोदर अष्टकम का पाठ ज़रूर करना चाहिए, बहुत ही शुभ माना गया है। तो दीपदान करिए, और अगर आपको दामोदर अष्टकम नहीं आता है उस वक्त, तो आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ऐसा कहते हुए दीपदान कर सकते हैं और भगवान के आगे दीप अर्पण कर सकते हैं। दामोदर अष्टकम आपको बहुत ही इजीली इंटरनेट पे मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, आप वहाँ से देख के भी पढ़ सकते हैं, फल आपको पूरा ही मिलेगा। आप चाहें तो कार्तिक के महीने में एक स्पेशल कार्तिक व्रत का भी पालन कर सकते हैं। ये व्रत कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप भगवान के आगे प्रण लीजिए कि मैं पूरे कार्तिक के महीने में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहाऊँगा, या फिर मैं अपनी कोई प्रिय वस्तु का त्याग कर दूंगा, यानी कि अगर आपको मीठा बहुत पसंद है तो आप मीठा त्याग कर सकते हैं, या फिर आप नॉनवेज खाते हैं या ड्रिंक करते हैं तो वो तो हमें वैसे भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप फिर भी करते हैं तो इस कार्तिक के महीने में आपको उसका त्याग कर देना चाहिए। और उसके अलावा आप ये भी व्रत उठा सकते हैं कि मैं पूरे कार्तिक के महीने में केवल एक टाइम अनाज का सेवन करूंगी, या फिर मैं एक ही टाइम फलहार खाऊंगी, या पूरे महीने में सिर्फ फल का सेवन करूंगी या दूध का सेवन करूंगी, कुछ भी ऐसा आप एक व्रत उठा सकते हैं। अगर आप कैपेबल हैं उठाने के तो आप बिल्कुल उठा सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते तो आप दीपदान और दामोदर अष्टकम का पाठ तो ज़रूर करिए। सभी व्रतों में सबसे उत्तम ये है कि आप अगर भगवान के नाम का जाप कर सकें, आप मन ही मन भगवान के आगे प्रण लीजिए कि मैं पूरे कार्तिक के महीने आपके नाम का जाप करूंगी, एक माला, 4 माला, 8 माला, जितनी माला आप कर सकते हैं उतनी माला का आप प्रण लीजिए। और जब भगवान के नाम की बात आती है तो हरे कृष्ण महामंत्र से उत्तम और कोई दूसरा मंत्र नहीं है। ये मंत्र कलयुग का सबसे उत्तम मंत्र है, जिसे हमें शीघ्र ही भगवान को प्रसन्न करने की शक्ति मिलती है। तो चलिए इस डिस्काउंटेड सेल के महीने का पूरा पूरा फ़ायदा उठाते हैं और जम कर भगवान की सेवा करते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल एक पे एक नहीं, एक पे 1000 फ्री है। बाय वन एंड गेट 1000 फ्री, सेल सेल सेल। इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और आप भी इस सेल के महीने का यानी कि भगवान के सबसे प्रिय महीने दामोदर महीने यानी कि कार्तिक महीने का पूरा पूरा फ़ायदा उठाएंगे और भगवान की खूब सारी सेवा करेंगे। और इस सेवा की शुरुआत आप इस वीडियो को शेयर करके भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों अपने परिवारजनों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे वो भी इस डिस्काउंट के महीने का पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। दिस इज़ ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ। हरे कृष्णा।